content means you are supposed to delete the content of the cells. ठीक है? Delete content dialog box will appear whenever you click on edit menu delete content option. There are a few options. Options का मतलब ये है कि आपको selectively कुछ delete करना है. Whether you want to delete all the text, whether you want to delete all the numbers, whether you want to delete the formulas, whether you want to delete the formatting. Suppose मैंने सारी range जितनी sheet बनाई है मैंने सारी select कर ली है, सारी select करके मुझे इसकी formatting erase करनी है. सिर्फ formatting, data erase नहीं करना, only formatting erase करनी है. तो I can select the option formatting and बाकी सारी options को deselect कर सकते हैं. I'm giving a few example. मैं आपको यहाँ पे कुछ data enter कर रही हूँ. ठीक है, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. इसको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं. सपोज दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, मैंने सेलेक्ट करके कुछ फॉर्मेटिंग कर ली. ओके, नाउ आई एम सेलेक्टिंग द सेल्स. एडिट मेन्यू delete content option or you press the delete key from keyboard. Again this delete content dialog box will appear. First option is delete all. No, edit menu delete content. Okay, now here are options. Text, you want to delete only text. Text mein aapke paas kya aayega? Roll number, name, marks, grades, name, all the names that will be deleted. All the other things main deselect kar rahi. Text means only text. Click OK. All the text values are deleted from the range, selected range. ठीक है? Again, edit menu, delete content. Numbers. मैंने text को deselect कर दिया, numbers को select कर लिया. Only numbers will be deleted. नंबर्स डिलीट हो गए. फॉर्मूला इज देयर बट रिजल्ट इज जीरो बिकॉज देयर इज नो नंबर. ठीक है, डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करूंगी तब भी सेम डायलॉग बॉक्स आएगा. नाउ आई एम सेइंग ओनली फॉर्मूलास, सो इट विल डिलीट द फॉर्मूलास इन द सेलेक्टेड रेंज. इफ आई से फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग विल बी इरेज्ड, टेक्स्ट विल बी नॉर्मल, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट साइज और फॉन्ट साइज है. क्लियर? डिलीट कंटेंट ऑप्शन इज क्लियर. डिलीट ऑल कर दोगे तो ऑल द कंटेंट विल बी डिलीटेड. मैंने पूछा था ऑप्शंस ऑफ डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स, वहां पे डिलीट कंटेंट नहीं था. क्वेश्चन वॉज डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स, इसीलिए रॉन्ग किया था. नाउ डिलीट ऑल, बस डिलीट ऑल, क्लिक ओके. बैक और क्या? हाँ, फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर्मेटिंग इरेज करनी है. तो आई टोल्ड यू फॉर्मेट ऑप्शन, डिलीट फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी, डेटा वही रहेगा. ऑब्जेक्ट्स में बेटा, अगर आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स हमने इंसर्ट किए किसी और एप्लीकेशन से. ठीक है, कमेंट्स मींस सेल्स में कई बार हमने कमेंट्स दिए होते हैं. कमेंट्स वी कैन ऐड टू द डिफरेंट सेल्स, दैट कैन आल्सो बी डिलीटेड. आई वांट टू डिलीट ओनली द कमेंट्स गिवन टू द सेल. कमेंट्स आर हिडन. ठीक है, कमेंट सेल के अंदर नहीं होते. कमेंट्स एक्स्ट्रा कमेंट्स दिए होते हैं कई बार सेल्स को, वो होते हैं. हाँ, नोट्स दे सकते हैं दोनों कमेंट्स. ओके, क्लियर है? डिलीट कंटेंट ऑप्शन इज क्लियर. नाउ अंडरलाइन द ऑप्शंस इन द बुक. व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस इन डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स? दिस वाज द क्वेश्चन इन योर फॉर योर असाइनमेंट आल्सो. नेक्स्ट इज नेमिंग अ रेंज. नेमिंग अ रेंज, अरविंद अपनी बुक लेके आ गया, बुक और कॉपी लेके आ गया. जाओ सीट चेंज करो. नेमिंग अ रेंज,
all of you know that whenever we click on a cell, the cell address is given in the name box to the left of formula bar. Formula bar ki left side pe dekho C2 aa raha hai. Aa raha hai, that is your name box. If I click here, it is giving me D4. If I click here, it is giving me A5. Name of the cell. It is given in name box. Whenever we do calculation in functions, we give the range A1 to A5, A1 to A10, or B7 to B10. We can give a name to the range. कि मुझे ज़्यादा बार use करनी है, I can select the range type. यहाँ पे range क्या आ रही है? C2 to C5. मैंने यहाँ पे click करके एक name type कर दिया, marks. ठीक है? Now if I want to enter the formula, suppose average. ब्रैकेट में रेंज देने की बजाय आई कैन गिव द नेम ऑफ द रेंज. वी कैन गिव द नेम ऑफ द रेंज. सेलेक्ट द रेंज, क्लिक ऑन द नेम बॉक्स, टाइप द नेम ऑफ द रेंज. अब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग C2 टू C4 आई कैन टाइप मार्क्स वेयर एवर यू नीड. हाँ, wherever you need the name range, ये range चाहिए आपको. वंशिका, is it important now? Is it important now? Excuse me, ma'am. Yes, Dhiren. ma'am, अगर हम कोई function use करते हैं तो जैसे sum में, ma'am उसमें हम different ranges डालते हैं तो उसके बीच में हम colon लगाएंगे या comma लगाएंगे? Semicolon, comma. Comma or semicolon to separate the ranges. Now I had given the name to this range. Click here is equal to sum. Instead of typing C2 to C5, I can type marks. It will give me the sum of that range. De sakte hain. दे सकते हैं, नेम सेम ऐसे ही आएगा. सपोज मैंने ये मार्क्स दे दिए, ठीक है. आई सेलेक्ट दिस लाइन, प्रेस कंट्रोल की, सेलेक्ट दिस, गिव अ नेम, ठीक है. हाँ, नॉन कंटिजियस सेल्स को नेम नहीं आ रहा, सिंगल सेल को आ रहा कंटिजियस. हाँ, इसको न्यू नेम दे दिया हमने, न्यू. सेम क्यों दोगे? कोई भी नेम दे सकते हैं. वो मार्क्स मैंने सेलेक्ट, मार्क्स मैंने नेम दिया, उसने उसको डीसेलेक्ट करके मार्क्स वाली रेंज सेलेक्ट कर ली है. सेम नेम नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा. सेम नेम क्यों देंगे? आप फाइल को सेम नेम नहीं दे सकते हो. सेम फाइल में दो चेंज चीजों को सेम नेम कैसे दे सकते हो? इट विल नॉट एक्सेप्टेड. हाँ, मार्क्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम मार्क्स, ठीक है, सेमी कॉलन E2 कॉलन E5. दोनों मैंने बोला नॉन कंटिजियस को नहीं जाएगा नेम. एक इस रे, अच्छा इसको न्यू दिया था, कॉमा न्यू दे सकते हैं. जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको न्यू दिया हुआ है, तो वी कैन टाइप हियर न्यू. ठीक है, दो रेंजेस के नाम हो गए. नेमिंग द रेंजेस क्लियर? ओके, अंडरलाइन कर लो. सेलेक्ट द रेंज टू बी नेम, टाइप द नेम इन द नेम बॉक्स. नेक्स्ट इज फिलिंग द रेंज. ये आपने ऑलरेडी वैसे किया हुआ है. यस, ट्राई करके देख लो. मैंने ट्राई नहीं किया, वैसे होना नहीं चाहिए, केस सेंसिटिव होगा नहीं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज फिलिंग द रेंज. फिलिंग द रेंज हम ऑलरेडी फॉर्मूलाज कॉपी करते हैं, वी फिल द रेंज. व्हेन एवर वी नीड टू फिल अ रेंज विद अ पर्टिकुलर डिफरेंस, जैसे रोल नंबर है 1, 2, मुझे 50 तक टाइप करने हैं. टाइप फर्स्ट टू वैल्यूज, सेलेक्ट बोथ द सेल्स, and whatever is the difference between these two values, that will be filled either by dragging the fill handle. ठीक है, either by dragging the fill handle. Second option is add it menu.
फिल ऑप्शन आती है आपके यहाँ पे, एडिट मेन्यू फिल सीरीज, फिल ऑप्शन सीरीज ऑप्शन, एडिट मेन्यू फिल सीरीज, ठीक है। इफ यू वांट टू फिल नेम ऑफ द डेज, सेलेक्ट ड्रैग, ओनली वन, सिर्फ एक वैल्यू डालनी है, ऑटो फिल एक तरह से, हाँ अपने आप। मैंने सपोज एक सेल एक वैल्यू डाली मंथ, सेलेक्ट ड्रैग, नहीं ये वाले हो जाते हैं, पूरा पूरा आएगा, फिर पूरा पूरा आएगा। सपोज मैंने 91, 1990, 1995 ईयर है, सेलेक्ट बोथ एंड ड्रैग। मैं ये इसलिए करा रही हूँ बेटा, प्रैक्टिकल बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। If cell 1 is having this, cell 2 is having this, after selecting this, what will be the value in the further cells? Okay? That's why I'm telling you, please pay attention in class. Okay? So these could be the questions also. आपके sheet worksheet बना के दे दी, आपको कुछ values fill कर दी, select करने पे next values क्या आएंगी? So you should know. Okay? Difference between first two, dates हो, time हो, कुछ भी हो, आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जानी है, टेकिंग द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू वैल्यूज। डेज एंड मंथ नेम्स कैन बी ड्रैग बाय सिंगल वैल्यू, क्लियर? ओके, टू मेथड्स टू फिल द सीरीज, वन ड्रैगिंग द फिल हैंडल, सेकेंड एडिट मेन्यू फिल ऑप्शन सीरीज ऑप्शन, पेज नंबर 245। व्हाट इज फिल हैंडल? A fill handle is a small square at the bottom right corner, ये वाला bottom right corner पे जो आ रहा है, bottom right corner for the of the selection, कोई भी selection कर लो, bottom right corner पे जो square आ रहा है small black color का, that is your fill handle, okay? Okay, copying data within a row, copying का means we are copying the data, जैसे हमने formula click किया, we drag it by using the fill handle, we are copying the formula, this is also called replication, this is also called replication. Page number 246, note, filling of a range by dragging through the fill handle is known as replication. हाँ जी, formula copy करने पे, वो fill था, वो fill series fill करी थी, जैसे हमने ये फिल कॉपी किया फॉर्मूला, दिस इज रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। अगर मैंने सपोज यहां पे कोई फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, सपोज सी टू कॉलन ई टू, नाउ आई एम कॉपिंग दिस फॉर्मूला बाय ड्रैगिंग द फिल हैंडल, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। हाँ जी, C3 E3 डाउनवर्ड कर रहे हैं, रो चेंज होएगी, कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम चेंज होगा, ठीक है, डाउनवर्ड कर रहे हैं, रो चेंज हो रही है, रो नंबर चेंज हो रहा है, कॉलम नंबर सेम है, लेफ्ट राइट साइड करेंगे, रो में करेंगे तो कॉलम चेंज होगा, ओके ओके। नेक्स्ट इज सेविंग अ वर्कबुक एंड रिट्रीविंग अ वर्कबुक, मींस ओपनिंग अ वर्कबुक, ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक। Okay, next is erasing the contents of the worksheet that I already told you. You can select all by pressing the control plus A. Select all, control plus A, press the delete key. Delete dialog box will appear. Now delete all karna hai, so it will delete all the contents. Okay? Okay. Next is quitting. For quitting, file menu exit option or close button on the title bar. File menu, exit option or close button on the title bar. Shortcut key, control plus Q. Note down. Shortcut key, control plus Q. Control plus Q. That is a shortcut key. Dono chalengi. Alt plus F4. That is the exit for every application. Alt plus F4 is also okay. Control plus Q is also for exit. Okay. Okay. Next is inserting cells or inserting rows. How to insert cells and how to insert rows. Click on the cell. Listen. Click on the cell.
insert menu rows option, it will insert a complete row. हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट रो. इफ यू वांट टू इंसर्ट मल्टीपल रोज, सेलेक्ट द मल्टीपल रोज. मुझे तीन रोज इंसर्ट करनी है, तो तीन रोज सेलेक्ट कर लो, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू रोज, तो थ्री रोज सेलेक्ट हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे. जितनी रोज इंसर्ट करनी है उतनी रोज सेलेक्ट करो, इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन. सिमिलरली क्लिक ऑन द कॉलम सेल, मुझे दो कॉलम इंसर्ट करने हैं, मैंने टू कॉलम सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट मेन्यू कॉलम ऑप्शन, टू द लेफ्ट साइड टू कॉलम्स विल बी इंसर्टेड, कॉलम लेफ्ट साइड, ठीक है. वन कॉलम करना है, सिंगल कॉलम, एक सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट मेन्यू कॉलम्स ऑप्शन, तो सिंगल कॉलम आ गया. एक से ज्यादा करने हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, द नंबर दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट. जितने नंबर इंसर्ट करने हैं रोज एंड कॉलम्स के, उतनी रोज और कॉलम सेलेक्ट करके फिर ऑप्शन पे क्लिक करो. क्लियर? इंसर्ट सेल, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है, कि मुझे ये नेम यहाँ नहीं चाहिए था, किसी और नेम का रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक नेम मिस हो गया, तो इंसर्ट मेन्यू सेल्स ऑप्शन. शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस मीन्स कंट्रोल और प्लस सिंबल. प्लस जो बीच वाला है, दैट इज जैसे कंट्रोल प्लस एस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं बीच में, टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स. कंट्रोल प्लस प्लस मीन कंट्रोल एंड प्लस सिंबल. डब, मैंने अभी आदित्य क्या बोला, दो प्लस कैसे आएंगे, प्लस एक ही आएगा, बीच वाला जो प्लस है दैट इज टू शो द एडिशन, एड एंड के लिए. कंट्रोल प्लस एस, प्लस की प्रेस तो नहीं करते हो, कंट्रोल और एस को प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस प्लस लिखा, तो दैट मींस कंट्रोल एंड प्लस सिंबल. नाउ इन दिस इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स, शॉर्टकट की टू ओपन दिस डायलॉग बॉक्स. नाउ इन दिस सेल डायलॉग बॉक्स, जब हमने एक सेल इंसर्ट करना है, देन वी नीड की सेल जो इंसर्ट हो रहा है, ऑलरेडी जो सेल है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए कि राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, स्पेस बनाने के लिए एक सेल को. शिफ्ट द सेल्स डाउन और शिफ्ट द सेल्स राइट, ऑप्शन आएगी, पहले इंसर्शन कर ले. इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन और शिफ्ट सेल्स राइट. अगर आपको रो वाइज कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो आप शिफ्ट सेल्स राइट कर सकते हो. मुझे कॉलम वाइज मेरा मिस हुआ है, मेरा एक नेम मिस हुआ है, आई कैन से शिफ्ट सेल्स डाउन, क्लिक ऑन ओके. बाकी सारे सेल्स वही रहेंगे, सिर्फ एक कॉलम के सेल्स डाउन शिफ्ट हो गए, ठीक है, और न्यू सेल इंसर्ट हो गया. इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल्स राइट, कंप्लीट रो, एंटायर रो और एंटायर कॉलम, यानी एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम हेयर ऑल्सो. हाँ 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 हाँ, ठीक है. ये देखो मैंने अंडू किया, अभी आपका नेम यहाँ आ रहा है, ठीक है. जब मैंने इंसर्ट सेल्स किया, शिफ्ट सेल्स डाउन, संडे वाला देखो नीचे मंडे में चला गया, जनवरी वाला फेब्रुवरी में, एक एक रो नीचे हो रही है, पूरी रो एक नीचे हो गई, एक सेल वहां आ गया, पूरा कॉलम में सारे रोज जो है वो एक एक सेल नीचे चली, ठीक है. सपोज इंसर्ट, हाँ बेटा डाटा हिल नहीं जाएगा. सपोज मेरा एक नेम मिस हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड जो मैंने बाकी डाला है वो मैंने किसी और का डाला है, वो नीचे उसके सामने पहले आ जाएंगे, ठीक है, उसके सामने आ जाएंगे. कंप्लीट रो नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो. सपोज मेरे पास ये जो मार्क्स डाले हैं, मैंने डी के डाले हैं 65, सी के सॉरी यहाँ पे मैंने मार्क्स डालने थे 20.5 के, मैंने डाल दिया सी के, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 20.5 लिखना है, बाकी नेम सारे सी के हैं, 45 जो मार्क्स हैं वो सी के हैं, तो वो सेल नीचे जाना चाहिए. न्यू नेम इंसर्ट हो गया, ये रिकॉर्ड इसका था, ठीक है, सी के 45 थे, बाकी सारे मैच हो गए उसके बाद, ठीक है.
क्लियर है इंसर्ट सेल. सिमिलरली डिलीट सेल, कोई वैल्यू ज्यादा इंसर्ट हो गई है, मैंने सपोज मैंने सबके मार्क्स एंटर कर दिए 45 45 दो बार कर दिया, नीचे तक जब टाइप किया देखा 50 स्टूडेंट से मार्क्स मैंने 51 के एंटर कर दिए, तो एक सेल ज्यादा ऐड हो गया हुआ है, यानी सारे सेल जहां से डिलीट करूंगी सारे सेल एक एक सेल ऊपर आने चाहिए. सपोज यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर कर दिया ऐसे, ठीक है ये मार्क्स यहां तक है, अब मुझे ये 45 इरेज करना है और सारे बाकी के मार्क्स ऊपर हो जाने चाहिए. एडिट मेन्यू, डिलीट ऑप्शन, डिलीट सेल्स, एक सेल डिलीट करना है, वैल्यू नहीं, वैल्यू डिलीट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खाली हो जाएगा सेल. शिफ्ट सेल्स अप, अब देखो 45 78 89 सामने आ गए, पहले ये था, ठीक है डिलीट सेल करने पे 45 जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो मैंने डिलीट कर दी. 45 B5 के आ गए, 78 C के आ गए, 89 D के आ गए, बेटा वो एवरेज है, ठीक है क्लियर है. एक्सक्यूज मैम. यस बेटा. मैम जो पिछले जो डिलीटेड 45 था उसकी जगह दूसरा 45 आ गया, तो उसकी जगह वैल्यू पे क्यों वो आ रहा है एरर, क्या आ रहा है मैम? जो E4 सेल है उस पे एरर क्यों आ रहा है जबकि 45 वहां पे है? यहां पे फार्मूला, यहां पे कह रहे हो? यस मैम. यहां पे फार्मूला में रेफरेंस नहीं मिल रही है उसको अभी प्रॉपर, C3 चाहिए था यहां पे, C4 आना चाहिए, उसको ड्रैग कर सकते हैं दोबारा. ओके हां जी, डिलीट सेल के ऑप्शंस क्लियर है, नोट डाउन कर लिए. Options of insert cell dialog box, options of delete cell dialog box. ठीक है. Okay, functions we had already done. Now take out your rough copies. Divya, Vanshika and Vanshi. तीनों की आवाज आ रही है, एक इधर से अरविंद की बीच बीच में आ रही है. ओके, इफ सेल, इफ सेल B1 इक्वल्स टू 10, व्हाट्स द प्रॉब्लम? If cell B1 is equal to 10, B2 equals to 20, B3 equals to 30, B4 equals to 40, and B5 equals to 50. Now, what will be the output of following expressions? B1 equals to 10. B2 equals to 20, B3 equals to 40, B5 equals to 50. Now, what will be the output of expressions? जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, is equal to average B1 colon B5. हाँ जी, कैलकुलेट करो जल्दी से, आपके पास कॉपीज हैं, कॉपीज पे नोट डाउन भी करो लक्ष्य एक्सप्रेशन. 30 क्लियर? हाँ जी आदित्य, कितनी एवरेज आएगी पक्का? टोटल कितना बना वैसे? 150 डिवाइडेड बाय 5, 30. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैलकुलेट करना. B1 कैरेट 2, कैरेट सिंबल दैट मीन्स रेज टू पावर, B2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस B3 कैरेट 3.
नाउ लिसन, व्हाट मास के रूल में आपके पास होता है ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, देन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट एक्सेल में एक चेंज है आपके पास, प्लीज नोट डाउन दैट फर्स्ट. आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट, देन रेज टू पावर, देन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर ऑन सेम लेवल. Division and multiplication are on same level, and when we in the same expression we are having both the symbols. Symbols are executed from left to right. Division and multiplication will be at the same level. Same expression में आपके पास division भी है, multiplication भी है. लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो सिंबल लेफ्ट साइड पे पहला एक्सप्रेशन है डिवीजन का है तो डिवीजन पहले चलेगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले चलेगा. देन लिसन, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगेन सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है, ठीक है. If same expression is having both the symbols, it will go from left to right. ठीक है, from left to right. अभी आ रहा expression, उसमें ध्यान देना. अब इस expression ये note down कर लो. पहले bracket, raise to power, division and multiplication are on the same level. Addition and subtraction is on the same level. सेम लेवल के सिंबल्स ऑपरेटर्स विल वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ओके. नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस. बी वन रेज टू पावर टू कितना आया, 100 प्लस बी टू मल्टी 60 प्लस 27,000. Raise to power 3 है, ठीक है, 3 बी 3 30 इंटू 30 900 इंटू 30 27,000. नाउ प्लस करोगे कितना आएगा, 27,160. ओके, नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन. अब इसको बहुत ध्यान से करना. बी 4 प्लस बी 5 माइनस बी टू डिवाइडेड बाय टू प्लस बी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू. बी फोर प्लस बी फाइव माइनस बी टू डिवाइडेड बाय टू प्लस बी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू. बी फोर, B4 की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस प्लस 50 माइनस 20 माइनस 10. B2 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 60. अब देखो सेम लेवल पे आ रहा है प्लस और माइनस. ये नहीं कि पहले 90 माइनस 70 नहीं करेंगे, 90 माइनस 70 नहीं करेंगे, 40 प्लस 50 90, 60 प्लस 10 70. ये नहीं कि पहले सारे प्लस के चलने हैं, सेम लेवल पर है, लेफ्ट टू राइट. 40 प्लस 50, मैंने अभी क्या करवाया दिव्यांशी, 40 प्लस 50 90, 90 माइनस 10 80, 80 प्लस 60 140. तो आंसर विल बी 140. मैम सेकंड एक्सप्रेशन का क्या आंसर था, सेकेंड 27,160. बॉडमास में आप करते क्या, पहले एडिशन करते हो, राइट. तो अगर आप एडिशन करोगे 40 प्लस 50 90, 40 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 60. हाँ तो करो ना, प्लस करो, 140 आएगा. 90 के आप पहले उसको 60 को पहले ऐड कर रहे हो, तो 610 प्लस 60 नहीं करोगे. अच्छा चलो, आप अपना जो भी मैथ करा मैंने आपको एक्सेल में, बैठे रहो, कीप सिटिंग, कीप सिटिंग. नेक्स्ट
नेक्स्ट कोई बात इफ इफ बी टू ग्रेटर देन 20 सेमी कॉलन बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेमी कॉलन बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बताओ इसीलिए पूछा है आपसे आपको क्वेश्चन आया है बी टू ग्रेटर देन 20 स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा इक्वल है बी टू की वैल्यू 20 है ग्रेटर देन 20 बोला स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा सेकंड स्टेटमेंट क्या है बी फोर मल्टीप्लाइड बाय 2 बी फोर में वैल्यू कितनी है 14 × 2 = 80 तो आंसर विल बी 80 क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू पे चलती है इफ के बाद क्या है ब्रैकेट में एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट इफ ट्रू स्टेटमेंट इफ फॉल्स ठीक है तो बी टू ग्रेटर देन 20 ट्रू है या फॉल्स है तो सेकंड वाला चलेगा ना क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए ओके वन मोर क्वेश्चन इज इक्वल टू मीन बी 1 कॉलन बी 5 सेमी कॉलन 90 सेमी कॉलन 5 मैम 5 मैम 5 कॉलन बी 5 रेंज उसके अलावा मैंने दो वैल्यूज अपनी तरफ से दे दी हैं कि इस रेंज में और इन दो वैल्यूज में कौन सी वैल्यू मिनिमम है 5 अगर सपोज करो मैंने यहाँ लिखा होता सेमी कॉलन 60 10 व्हेन इट विल बी 10 हां जी प्रांशी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया आपने देखा है हाँ बेटा इफ एक्सप्रेशन में क्या होता है इफ ब्रैकेट कंडीशन सेमी कॉलन एक्सप्रेशन अगर कंडीशन ट्रू है सेकंड एक्सप्रेशन अगर कंडीशन फॉल्स है तो अब अगर मेरी पहली वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई है तो पहले वाला तो नहीं चलेगा ना देन पार्ट नहीं चल रहा एल्स पार्ट चल रहा है एल्स में क्या लिखा है बी फोर मल्टीप्लाइड बाय 2 हाँ तो बेटा ये कंडीशन चेक होनी है अगर ट्रू होगी तो ये चलेगा बी 3 वाला चलेगा अगर फॉल्स होगी तो बी 4 वाला चलेगा कंडीशन एक है तीनों थोड़ा कंडीशन है यस